लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का सिलसिला थम चुका है, जहां मध्य प्रदेश में चार चरण में चुनाव के लिए मतदान थमने के बाद अब इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का एक्टिव अंदाज देखने को मिल रहा है। लालवानी लगातार जनता से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं कभी विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं तो कभी मैरिट में आने वाले बच्चों से उनके मन की इच्छा जान रहे हैं। मैरिट में आने वाले बच्चे भी सांसद लालवानी से मुलाकात के बाद बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। देखें ये खास खबर। सांसद शंकर लालवानी का एक्टिव अंदाज, मैरिट में आए विद्यार्थियों से की मन की बात। सांसद लालवानी से मिलकर खुश हुए विद्यार्थी। सियासत के गढ़ इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं, जहां लालवानी ने चुनाव परिणाम से पहले ही अपना एक्टिव अंदाज दिखाना शुरू कर दिया है। लालवानी लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, वहीं मैरिट में आए विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्होंने उनके मन की इच्छा जानी। लालवानी ने मैरिट में आए बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भविष्य का उभरता हुआ नेतृत्व बताया। आज जो बच्चे मैरिट में आए हैं उनका सम्मान किया, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता चल रही है, इसलिए बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी इन बच्चों से मिलने की और उनके भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं अलग अलग उन्होंने बताया। जिस प्रकार का उनका उत्साह और उमंग है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये हमारे देश का नेतृत्व करेंगे और बच्चों में बहुत उत्साह है आने वाले समय को लेकर। और हमने ये कहा कि आने वाला समय बच्चों का, ये देश युवाओं का है, विश्व में सबसे अगर ज़्यादा बड़ी संख्या युवाओं की है तो हमारे देश में है, तो हमारा देश युवाओं का है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी ने कहा आने वाला समय हमारे देश का है, तो ये बच्चे नेतृत्व करेंगे हमारे देश के, तो इनको शुभकामना की, इनको उज्ज्वल भविष्य की कामना की, इनके परिवार वालों को धन्यवाद दिया, शिक्षकों को, और आगे बढ़े, हमारे शहर का नाम रोशन करें, परिवार का और देश का। सांसद शंकर लालवानी से मिलने के बाद स्टूडेंट्स भी काफी खुश नजर आ रहे थे, जहां सभी ने लालवानी के साथ अपने फ्यूचर का विजन साझा करते हुए देश के लिए कुछ अच्छा करने की बात कही। बहुत मोटिवेशन मिलता है, मतलब उन्होंने जो सब बताया कि आगे क्या कर सकते हैं और मतलब 10th के बाद भी हमारा क्या स्कोप है, कैसे क्या करना है, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने बताया तो मोटिवेशन तो बहुत। मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा, मैं बहुत काम आएंगे, मतलब उनने जो छोटी एक बात बताई थी कि जितना हम ठोकर खाएंगे उतना ही हम आगे सीखेंगे और ज़्यादा हमारा नाम होगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। मुझे अभी 99.2% आए हैं और बहुत मोटिवेटिंग लगा जैसे उन्होंने हमें बुलाया, और जो भी टीचर्स थे एजुकेशनल के भी हमारे इधर आए थे, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेशनल वर्ड्स बोले, तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम कई बार सोचते हैं कि क्या है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर अब देख के लग रहा है बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब हमारे लिए तब हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें खुशी होती है इन सब चीज़ों में। कुल मिलाकर देखा जाए तो सांसद शंकर लालवानी का एक्टिव अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां वे लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।